हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है का चैप्टर चल रहा है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 12 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है बेटा, वो सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है बेटा, मतलब जितना भी क्वेश्चन मैं करूँगा ठीक है ना, या कर चुका हूँ सारे, करीब करीब पूछा हुआ कहीं ना कहीं ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बेस है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरे से मिलेगा नहीं कि हाँ लास्ट ईयर में आया, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो ये तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस मेथड आएगा आपके पास, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। 99% आई एम श्योर कि सेम क्वेश्चन विल नॉट रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं करेगा ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इतना बनता है राइट है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका है वैल्यूएशन गुडविल है, वैल्यूएशन गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी जो मैं कर रहा हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 6 लाख। डेढ़ बेटा पहले से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 6 लाख है, एवरेज निकाल करके दे दिया, मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर दी फर्म फॉर दी पास्ट 3 ईयर्स वर रुपीज 1,07,600, 90,700 एंड 1,12,500। ये लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट है ठीक बेटा। विद रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू दी देयर इज इन्वॉल्व इज 12%। जो तो आपने होप किया गया कम से कम कितना रिटर्न आनी चाहिए वो कितनी, वो 12% है। फेयर रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम है, नो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो फॉर। देखिए बेटा ये जो 12,000 है, 12,000 है पार्टनर्स की रेमुनरेशन जो है, सैलरी को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन भी बोलते हैं। वो 12,000 जो अभी तक आपने प्रॉफिट से लेस नहीं किया। संडी एसेट्स ऑफ द फर्म 754,762 एंड करंट लायबिलिटी इतना है। देखो बेटा ये इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। हाँ ये इसका रोल तब होता ना जब आपके पास कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो तब इसमें चीज को लेस कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल करके दे रखा है तो इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन निपटा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देगा देगा ना, ताकि स्टूडेंट जब कन्फ्यूज करे। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। बताया गुडविल कैलकुलेट करिए सुपर प्रॉफिट के बेस पे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन को देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ जो ईयर का प्रॉफिट है उसको जोड़ लीजिए, कितना है बेटा, 1,07,600, 1,07,600 है। प्लस 90,700 प्लस 1,12,500 ओवर 3 ये आपको हो जाएगा 1,03,600। ये आप आ गया बेटा
3600 ठीक बेटा। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट बेटा एवरेज प्रॉफिट मैनेज पार्टनर स्टिमुलेशन एवरेज प्रॉफिट मैनेज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन तो कितना गया 1,03,600 माइनस 12,000 तो ये आपका गया 93,600 बिल्कुल कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एन आर आर का मतलब क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं लिख देता हूँ एन आर आर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ठीक ठाक तो आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 6 लाख है कितनी है 6 लाख है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी 12% 12% तो कितना जाएगा 72,000 ठीक है ये बात नहीं इसका हमें क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट कितनी है 93,600 है माइनस 72,000 इक्वल टू आपका हो जाएगा
93,600 माइनस 72,000 21,600 है बेटा। ये 93 नहीं आएगा बेटा, ये 91 आएगा। नाइन्टी वन सिक्स हंड्रेड तो 91,600 माइनस 72,000 19,600 अब निकाली गुड गई। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज नंबर ऑफ शेयर्स परचेज तो सुपर प्रॉफिट कितनी है 19,600 और नंबर पे परचेज कितनी 3 है 19,57 और 57 58,800 58,800 ये आ गया होगा एंड गुडविल इज ₹58,000 ये गुडविल आ गया।